Hi, this is Manish Sharma. Welcome to my YouTube channel. So start करते हैं Nifty and Bank Nifty analysis and we'll discuss the stocks for intraday trading session कल के trading session के लिए. So मैंने आपको last 3-4 वीडियो में continuously बताया कि Nifty में view bullish है और आप देख सकते हो last 3-4 दिन से काफी एक strong upside movement हमें देखने को मिला है. जिसने जिसने मेरा वीडियो फॉलो किया है definitely आपने इंडेक्स में काफी अच्छा पैसा बनाया होगा. और स्टॉक भी डिस्कस करते हैं. निफ्टी अगर आप देखें लास्ट 4 दिन से एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल चुका है. 9100 के लेवल से ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स की रैली हमें देखने को मिल चुकी है. अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, फ्लैटिश काइंड ऑफ मूवमेंट रहेगा, एक हॉल्ट लेगा मार्केट एंड थोड़ा सा रेंज बाउंड हो जाएगा. सो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे एंड ये गैप थोड़ा फिलअप करने की कोशिश करे तो मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज में रहेगा मार्केट. थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है 9600 से 9900 की रेंज में. बैंक निफ्टी में भी सेम है. मैं आपको पिछले 3-4 वीडियो से लगातार बोल रहा हूँ कि व्यू बुलिश है. इसमें भी एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला है और इसमें भी अब थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकता है. 19500 से लेके 20200 तक का एक रेंज है और हो सकता है बैंक निफ्टी उस रेंज में ट्रेड करे, कंसोलिडेट करे. तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स में अब व्यू थोड़ा साइडवेज रहेगा. कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंडेक्स में व्यू साइडवेज रहेगा. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स. मैंने आपको 2 दिन पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर बाय दिया था 2020 के आसपास. आज इसमें लेवल हो गया 2100. अगर आपने इसमें पोजिशनल ट्रेड किया है 2 दिन के लिए तो इसमें आपको काफी अच्छा पैसा बना होगा और जिसने जिसने इंट्राडे किया था उनको भी काफी अच्छा प्रॉफिट बना है. तो अगर आप मेरा वीडियो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने स्टॉक्स में भी काफी अच्छा पैसा बनाया होगा और आपने इंडेक्स में भी काफी अच्छा पैसा बनाया होगा. अब बात करते हैं लास्ट 3 स्टॉक जो मैंने दिए थे लास्ट वीडियो में. सबसे पहला मैंने स्टॉक दिया था SBI बाय. आपको याद है मैंने 162 के ऊपर ही बोल दिया था कि ये बाय रहेगा और 170-175 तक के टारगेट्स होंगे इसमें. और आज आप देख सकते हो इसमें भी बहुत बड़ा अप मूव हमें देखने को मिला है. इसमें भी काफी इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा बना. नेक्स्ट स्टॉक होगा उज्जीवन. उज्जीवन भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक लॉजिक के साथ समझाया था कि इसमें एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है और 180-185 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं. आज इसमें भी एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला. जी एंटरटेनमेंट भी मैंने आपको एक लॉजिक के साथ समझाया था कि इसने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, हो सकता है इसमें 190-195 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं. तीनों ही ट्रेड चले हैं आज के दिन में, तीनों ही ट्रेड में काफी अच्छा पैसा बना. तो अगर आपने ये स्टॉक्स में ट्रेड किया है और प्रॉफिट कमाया है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यस वी ट्रेडेड जी एंटरटेनमेंट, यस वी ट्रेडेड उज्जीवन एंड वी मेड सम प्रॉफिट. क्योंकि जब तक आप कमेंट करके बताओगे नहीं तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आप कॉल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. आपके कमेंट्स रीड करने के बाद मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यस लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. सो प्लीज गिव अ कमेंट एंड लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्रेडिंग एंड एक्चुअली मेकिंग प्रॉफिट. हाँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ वो मेरे फायर्स के अकाउंट में मैं ट्रेड भी करता हूँ और मेरे अलाइस ब्लू के अकाउंट में मेरा पर्सनल ट्रेडिंग चलता है इंडेक्स में. सो जो भी मैं आपको ट्रेड देता हूँ उसमें मैं एक्चुअल खुद ट्रेड भी ले रहा हूँ. और आपने टेलीग्राम चैनल में देखा होगा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट भी करता हूँ. सो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वही मैं खुद ट्रेड भी कर रहा हूँ. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो भी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ मेरे वीडियोस में वो प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, कोई थ्योरेटिकल मैं आपको कहानियां नहीं सुना रहा. बाकी सारे चैनल्स पे आपने देखा होगा मार्केट कॉमेंट्री ज्यादा होती है, टॉक्स ज्यादा होती है, मार्केट टॉक्स, इन्वेस्टमेंट टॉक्स ज्यादा होते हैं. कोई आपको नेक्स्ट डे के लिए लाइव ट्रेड नहीं बताता है. बाकी क्लासेस वाले आपको पास्ट ट्रेड दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि एक हफ्ते पहले कितना प्रॉफिट बना था, 10 दिन पहले कितना प्रॉफिट बना था. कोई आपको नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड नहीं देता या अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन के लिए ट्रेड नहीं देता. क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी स्टडीज पे कॉन्फिडेंट नहीं है, वो खुद अपनी एनालिसिस पे कॉन्फिडेंट नहीं है कि मेरा ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा, इसलिए शायद वो ट्रेड नहीं दे पाते. बट मैं मेरे ट्रेडिंग सिस्टम पे, ट्रेडिंग मेथड पे कॉन्फिडेंस हूँ, इसीलिए मैं आपको यूट्यूब चैनल पे आके लाइव ट्रेड देता हूँ नेक्स्ट डे के लिए. और आपने मेरे वीडियोज अगर स्टार्ट से फॉलो किए हैं तो मेरा स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट मोर देन 80% है, जो कि काफी अच्छा है. यानी आपने अगर 10 कॉल फॉलो किए हैं तो उसमें 8 ट्रेड में आपको प्रॉफिट आया होगा. आप मेरे पास वीडियोस देख सकते हो और NSE वेबसाइट से कंपेयर कर सकते हो प्राइजेस आज भी, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे ट्रेड्स में क्या रिजल्ट है. सी, मैं ट्रेडर हूँ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. मेरे ट्रेड से आपको पता चलना चाहिए कि मैं ट्रेडर हूँ. तो आपको मेरे ट्रेड से पता चल रहा होगा कि मैं किस लेवल का ट्रेडिंग करता हूँ और मैं किस लेवल का ट्रेडर हूँ. एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर लर्निंग एंड अर्निंग एज वेल. मैं आपको हर एक ट्रेड लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ एंड आपने देखा भी होगा, प्रैक्टिकल रिजल्ट देखा होगा, ना कि थियोरिटिकल, बट प्रैक्टिकल रिजल्ट आपने देखा होगा कि मेरे स्टॉक्स नेक्स्ट डे कैसे चलते हैं. और डेफिनेटली कई लोगों ने पैसा भी बनाया होगा.
सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए. इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए. सो सबसे पहला स्टॉक होगा जुबिलेंट फूड. जुबिलेंट फूड अगर आप देखें, ये सेटअप थोड़ा सा रेंज बाउंड सेटअप है. यहाँ से एक फॉल था, एक अपमूव हमें देखने को मिला. अगर आप देखें ये रेजिस्टेंस पे ही है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे है. और कल ही इसमें एक बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग हमें देखने को मिल गया था. आज क्योंकि मार्केट इतना ऊपर था तो इसमें फॉलो थ्रू सेलिंग हमें देखने को नहीं मिला, बट डेफिनेटली मुझे लगता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक फॉलो थ्रू सेलिंग हमें देखने को मिलेगा और इसमें एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है टिल 1600 लेवल या उससे नीचे भी. तो जुबिलेंट फूड काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा. कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. नेक्स्ट स्टॉक है IGL. IGL भी सेम केस है, स्ट्रक्चर काफी वीक है. अगर आप लास्ट प्रीवियस डे का कैंडल देखें, एग्रेसिव सेलिंग हुआ है विद एग्रेसिव वॉल्यूम्स के साथ. एंड ये भी रेजिस्टेंस के पास में ही है, अगर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस से ही फॉल हुआ है. इसमें भी एक 8-10 रुपए का फॉल हमें देखने को मिल सकता है. तो कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. लास्ट स्टॉक होगा HDFC Life. HDFC Life भी अगर आप देखें, ये भी रेजिस्टेंस पे है एंड इसमें भी एक काफी नेगेटिव पैटर्न है. एंड मुझे लगता है ये अगर रेंज ब्रेक करेगा 513 के नीचे तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है करीबन 10-15 रुपए का. तो HDFC Life भी शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए. अब आप लॉजिक समझिए, मैं आपको तीनों ट्रेड आज शॉर्ट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इतना रनअप कर चुका है तो बहुत सारे स्टॉक्स मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुके हैं. बहुत सारे स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है एंड प्रॉफिट बुकिंग के कारण स्टॉक्स नीचे आ सकते हैं. मार्केट एक शॉर्ट टाइम में बड़ा अपमूव दे चुका है तो हो सकता है कुछ स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले. उसी के लॉजिक से मैंने आपको आज तीनों ट्रेड शॉर्ट के तरफ दिए हैं. शॉर्ट के तरफ ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के कारण थोड़ा बहुत करेक्शन हमें स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है. आज के वीडियो में इतना ही. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो.